कि आपके पास कोई ऑप्शन है, ऑप्शन फॉर व्हाट, आपकी लाइफ का जो भी कुछ गोल है अगर उसके बदले में आपको कुछ और मिल जाए, यानी कि वो गोल तक अगर ना पहुंच सको तो आपने क्या ऐसा सोचा है कि अगर ये नहीं होगा तो वो तो है। इसे कहते हैं ऑप्शंस, और ये ऑप्शन है आपके लिए बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि जब तक आपके माइंड में ऑप्शन बना रहेगा ना, तब तक आप मेन चीज तक नहीं पहुंचोगे, या उस तक पहुंचने के लिए जितनी ताकत चाहिए, जो प्रयत्न करने चाहिए, आप वो प्रयत्न नहीं कर पाओगे। आप में क्षमता होगी फिर भी आप वो प्रयत्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शंस है। आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा गोल है, बहुत ही सीरियस गोल है, जिसको पाना आसान नहीं है। आप उसको तब तक नहीं पा सकते जब तक वो आपकी लाइफ की मोस्ट प्रायोरिटी नहीं बन जाता, कि इससे बिना तो आपकी लाइफ में बात बनेगी नहीं। ये तो आपको चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में कुछ भी करके, क्योंकि इसके सिवा लाइफ नहीं है। जब आप ये सोचते हो ना, तभी आप उसको पाने के लिए सही तरह की मेहनत करवाते हो, क्योंकि जब तक आपके माइंड में ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि मेहनत करते, ट्राई करते, अगर हो गया तो हो गया, वरना ये तो है, तो ये ऑप्शंस आपको मार देगा। कभी भी उस लेवल की मेहनत, उस लेवल की जो आपकी एफर्ट होगी ना, उसे करने नहीं देगा। जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या ऑक्सीजन का कोई अल्टरनेटिव है? कैसा कुछ है कि अगर मैं ऑक्सीजन नहीं लूंगा और उसके बदले में मुझे कुछ और मिल जाएगा तो चल जाएगा मेरा काम? नहीं, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। जब तक तुम्हें जीना है तब तक तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए। जब तुम्हारी लाइफ का गोल, जब तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेस तुम्हें इस तरह दिखने लगे लाइक एक ऑक्सीजन, कि इसके बिना तो लाइफ है ही नहीं, तो तुम्हारे लिए करना आसान हो जाएगा। दुनिया में 50% से ज़्यादा लोग अपनी लाइफ में सक्सेस होना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास एक ऑप्शन होता है। ऑप्शन होने का मतलब ये नहीं है कि आज तुम एक जॉब कर रहे हो, तुम उस जॉब को छोड़ दो और तुम्हारा पूरा फोकस है वो तुम्हारे किसी और गोल पे लगा दो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इस जॉब को एक्सेप्ट ना कर लो माइंड से कि हाँ ये चलेगी, अगर वो नहीं मिलेगा तो ये भी चलेगी, ऐसे नहीं। वो चाहे ही चाहे, बस अब ये तुम्हारा सहारा बनी हुई, ये तुम्हारी एक रास्ते की कड़ी है, वो तुम्हारी मंजिल नहीं है। मान लो कि आप एक जंगल में हो, 2 दिन से आप उस जंगल में भटक रहे हो, आपके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता है, आपको बहुत ही भूख लगी है। अब यहाँ पे आपका टारगेट होता है कि खुद की तरह से सर्वाइव करना है, खुद जिंदा रहना है, तो आप क्या करोगे बताएं? आप खाने पीने के लिए आप सब चीज़ ढूंढोगे, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने आ जाती है कि अपने पेट में कुछ डालना, अपने पेट को कुछ भरना। आप यकीन नहीं करोगे कि आपने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा आप ऐसी चीज़ों को खा सकते हो। आप पेड़ के पत्ते खा सकते हो, पौधे खा सकते हो, लेकिन सर्वाइव कर जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए तब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है खुद को जिंदा रखने के लिए। जब कोई भी चीज़ हमारे लिए हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है, प्रायोरिटी इस लेवल की हो जाती है, तो वो चीज़ हम कुछ भी करके कर लेते हैं, हमें करना नहीं पड़ता, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली करता है कि अब तुम्हें क्या एक्शन लेना चाहिए इसको पाने के लिए। बस अपने माइंड को बता दो कि ये कितना प्रायोरिटी वाला चीज़ है, ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है। जब चीज़ जान के ऊपर आती है ना, तब आप असंभव कार्य भी कर सकते हो। जब बात आपके अस्तित्व की आती है, तब आप सोच भी नहीं सकते कि आप क्या कर सकते हो। मैं आपको बहुत ही अच्छी एक कहानी सुनाता हूँ। एक नदी के 2 अलग अलग किनारों पे अलग अलग राजाओं के 2 राज्य थे। इसमें से एक राजा बहुत ही बड़वान था और दूसरा राजा था वो थोड़ा सा कमज़ोर था, उसका राज्य छोटा सा, उसके पास छोटी सी सेना थी। जो तो कमज़ोर राजा था उसको लगा कि कभी ना कभी जो बड़वान राजा है वो हमेशा आए दिन मुझ पर हमला करता रहता है, तो कभी ना कभी वो मुझे, मेरा राज्य मुझसे हथला लेगा, मुझे मार डालेगा, मुझ पर कब्जा कर लेगा। तो आधी रात को उसने अपने सारे सैनिकों को बुलाया कि चलो हमें जाना है उस राजा के ऊपर हमला करना है। उस राजा ने 2-3 जहाज लिए, उसमें सारे हथियारों सैनिकों को लेकर वो एक बड़वान राजा की ओर चला गया नदी के उस किनारे। उस राज्य में वो गया, सारे सैनिकों को उस होड़ी से, जहाज से बाहर निकाला। फिर उसने एक इम्पोर्टेंट काम किया कि जो जहाज में वो सब बैठ कर आए थे उसी जहाज़ों को अपने हाथ से जला दिया, और फिर अपने सैनिकों को बोला कि देखो हमारे पास बाहर जाने का, यानी कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि जो जहाज हम लेकर आए थे उस जहाज को हमने खुद ने जला दिया, यानी कि भागने का नो ऑप्शन। अब या तो हम तब जिंदा रह सकते जब इस राज्य के ऊपर हमारी जीत होगी, सारे यहाँ के दुश्मनों को हम हरा देंगे, सारे सैनिकों को परास्त करेंगे, तो ही हम बच सकते हैं। इट मीन्स कि उस सैनिकों के पास अब यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं रहा था, उसके माइंड को इस तरह से प्रोग्राम कर दिया था उसके सेनापति ने, उसके राजा ने, बसने के लिए सिर्फ उन लोगों को मार डालो, जीत लो।
बस यहाँ से बचने का एक यही रास्ता है, नो ऑप्शन। और उस राजा ने और उनके कुछ सैनिक, वो बहुत ही बड़वान राजा और उसकी बड़वान सेना को परास्त कर दिया, वो जीत गए क्योंकि यहाँ पे उनके पास ऑप्शंस नहीं था। आपकी लाइफ की सक्सेस आपको तब तक नहीं मिल सकती जब आपके लिए वो एक ऑप्शंस होती है, आपके लिए वो कम इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन जब वही चीज़ आपको जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक लगने लगे ना कि इसके बिना तो हो ही नहीं सकता, मेरा चलेगा ही नहीं, ये तो चाहे ही चाहे, बस उस दिन के बाद आपकी वो सक्सेस आपसे बहुत नज़दीक होगी। మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.